स्टडी करते टाइम बोर होकर आपने कई बार नोटबुक मार्जिन पर या लास्ट पेज पर रैंडम ड्राइंग्स की होंगी। अपने हैंड नैपकिन पर कुछ डिज़ाइंस भी बनाए होंगे। घर पर रंगोली बनाई होगी, मेहंदी भी लगाई होगी, बस यही डूडलिंग है। हाय, मैं स्वाति अपनी डॉटर के साथ। आजकल हम घर में बहुत बोर हो रहे हैं और बहुत सारी डूडलिंग में हम अपनी क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं। सेम पैटर्न पे हम दोनों ने ही डूडल पेंटिंग बनाई है और मैंने एंड वी बोथ हैड फन एंड वी मेड फन। तो आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं हमारी जिंदगी का क्रिएटिव पार्ट। आप डूडलिंग के लिए किसी भी तरह का पेपर यूज कर सकते हैं, ड्राइंग शीट, नॉर्मल पेपर, इवन नोटबुक पर भी आप डूडलिंग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ही स्पेशल डूडल पेन्स मिलते हैं, लेकिन आप घर पर ही अवेलेबल पेन, पेंसिल, कलर्ड पेन, कलर्ड पेंसिल का यूज़ करके भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना रही हूँ, हाफ बटरफ्लाई हाफ फ्लावर। मैं हाफ को ब्लैक एंड वाइट और हाफ को कलर ड्रॉ करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंगल पेंटिंग के थ्रू काफ़ी सारे पैटर्न्स सिखाऊंगी। आप पैटर्न्स बनाने लगे तो मानिए आप सभी तरह की पेंटिंग्स जैसे कि मेहंदी में, डूडल आर्ट में और मंडला आर्ट में पैटर्न यूज होते हैं वो कर सकते हैं। डूडल आर्ट इज़ अ ग्रेट फन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। दिस डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि सेम पैटर्न्स मंडला में भी यूज़ होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि डूडल में फ्री डिज़ाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होते हैं और मंडला स्पेसिफिक होती है, नीट प्रिसाइज होती है, यानी कि व्यवस्थित होती है। जैसे कि अगर इस टाइम में मंडला बना रही होती तो दोनों साइड या तो बटरफ्लाई होती या सिर्फ फ्लावर और ऑर्गेनाइज सेम पैटर्न में होते। मेहंदी में सेम पैटर्न के साथ हाथों पर हीना यूज़ करके बनाते हैं, सो इट विल बी कैटेगराइज्ड एज हीना डूडलिंग एंड हीना मंडला। डूडलिंग कैन बी यूज्ड एज ए स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। तो अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो डूडलिंग करिए। Thank you.
हमने इसी तरह से हमारी लास्ट वीडियो में घर पर ही आसानी से क्ले कैसे बनाएं ये बताया था। बहुत सी मदर्स ने अपने बच्चों के साथ मिलकर उसे ट्राई भी किया और उन्होंने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। आप भी अपना डूडल आर्ट एक्सपीरियंस मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। तो तैयार है हमारी ये डूडल पेंटिंग। अगर आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट है या बोर हो रहे हैं या फिर आप स्ट्रेस रिलीव करना चाहते हैं वो भी क्रिएटिव तरीके से, तो करिए डूडलिंग। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एक्सप्लोर जिंदगी।